बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं जमकरान के दुम्बा मंडी में, तो वहाँ पर हम दुम्बा ले रहे हैं। तो हमने मसला सौदा कर लिया है, हमें इस साल जो है ना 1 किलो दुम्बा यहाँ जिंदा के हिसाब से बिकता है, तो 55 तुमांग के हिसाब से 1 किलो के हिसाब से हमें दो दे दिया है। बच्चे हमारे आए हुए हैं और हमारे यहाँ जाहिद भाई भी सारे हमारे साथ, क्या नाम है, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अपना रजा भाई भी मौजूद है यहाँ पर। हम दोनों ने दो बकरे ले लिए हैं और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है सारे। ये यहाँ पर ईरान में ज़्यादातर दुम्बे का कुर्बानी होती है, यहाँ जानवर और ज़्यादा खाया भी दुम्बा जाता है। तो ये सारे दुम्बा आप देख सकते हैं, सारे मंडी है बहुत बेहतरीन। आपको करीब जाकर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यार नस्ल के माशाल्लाह। और इनके जितने भी हैं सब ये मेडिकली इनको चेक किया जाता है और सारे मेडिकल में सब मतलब फिट हैं। इनके कान के ऊपर एक निशान आप देख रहे होंगे पीले रंग की, तो उस हिसाब से यहाँ पर यहाँ के जो है ना जो जानवर आप लेंगे वो 100% आपके जो मतलब 100% उसकी यकीन है कि ये बंदा जानवर महफूज और बेहतरीन और क्या कहते हैं सेहतमंद है। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। ये इलाका है जमकरान मस्जिद, आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे जमकरान आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा जमकरान मस्जिद का। बाकी यहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है, उस अच्छे माहौल में आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बड़ा अच्छा है। उन्होंने कुछ अपना खेत वगैरह भी बनाया हुआ है यहाँ पर। देख सकते हैं थोड़ा खेत वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने, सब्जी की सब्जी वगैरह उगाए हुए यहाँ पर, कुछ चीज़ें यहाँ फल वगैरह फ्रूट वगैरह के लिए भी इन्होंने बनाए हुए हैं। और एक तरफ यहाँ पर भी कुछ बकरे वगैरह भी मौजूद हैं, यहाँ देख सकते हैं आप बकरे भी यहाँ पर हैं, कुछ बकरे भी हैं यहाँ पर। और ये भाई लोग यहाँ बैठे हुए सारे, ये सारे बेचने वाले भाई यहाँ पर बैठे हुए सारे जो लोगों से मामला करते हैं। और यहाँ पर अनार के दरख्त भी मौजूद है यहाँ पर, मछली देखते हैं ये लगे हुए अनार, ये अनार वगैरह देख लें। और यहाँ पर इनकी महफूज करने के लिए यहाँ पर रात को अगर कोई भेड़िया वगैरह यहाँ पर मौजूद है तो इसलिए भेड़िया वगैरह के लिए कुत्ता वगैरह भी यहाँ उन्होंने रखे हुए हैं, देख सकते आप। मजीद जानवर आप यहाँ देख सकते हैं, बकरे मजीद दुम्बे पहली प्रायोरिटी जो वहाँ पर जो थी हमने लिए पहली प्रायोरिटी उन्होंने वहाँ की रखी हुई थी कि वो पहले वो बेचेंगे, इसके बाद ही सारे ये जानवर यहाँ जो रखे हुए इन पे मामला करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मैं ना मजीद वीडियोस भी इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह जितना हो सके। और यहाँ इन्होंने मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, ये देख सकते सारी लाइन से मुर्गियाँ बैठी हुई हैं। तो माशाल्लाह से पूरा एक इन्होंने अच्छा निज़ाम एक बनाया हुआ है। ये साल भर ये मंडी लगी रहती है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि मतलब ये मंडी सिर्फ, जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारी मंडियाँ होती हैं साल भर लगी होती हैं। जैसे कराची में आप बात करें लालू खेत की मंडी हो गई, और कराची में उसके अलावा बकरा बीडी की मंडी हो गई, वो साल भर लगी होती है। इसी तरह ये मार्केट यहाँ पर भी साल भर होता है। बाकी मछले से अच्छा माहौल, और हमने दो सौदा कर लिया है, हमने दो जानवर ले लिए हैं। तो इंशाल्लाह 55 तुम्हारे हिसाब से बड़ा है, हमें पर किलो के हिसाब से जिंदा के हिसाब से यहाँ बिकता है। और गर्मी बहुत सख्त है ना, हम यहाँ गर्मी में आए हुए हैं, टोपी हमने गीली की हुई है, पूरा अभी सूख गया है, 2 मिनट के अंदर ये पूरा सूख गया है। तो इंशाल्लाह अभी हम दोबारा गीला करेंगे इसको इंशाल्लाह, फिर नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपको और मजीद आपको हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो से बेहमन करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, सिकंदर करबलाई को सलाम जी।